सो हेलो एंड वेलकम, मेरा स्वागत है आपका फोरेक्स राउंड बॉक्स में। तो रियलमी लेके आ गया रियलमी 11 प्रो सीरीज़, जिसमें 11 प्रो और प्रो प्लस लॉन्च हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 11 प्रो कि क्या ये फ़ोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं फ़ोन के बैक पैनल से। तो बैक में देखने मिल जाता है लेदर, जो एक फ़ोन को प्रीमियम लुक देता है। वो कैमरा मॉड्यूल है, वो भी फ़ोन को एकदम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन बना देता है। अगर साइड फ्रेम की बात करें तो प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है। ओवरऑल लुक में फ़ोन बहुत अच्छा है। पल्सर बटन की बात करें तो टॉप में स्पीकर, नॉइस कैंसलेशन माइक, बॉटम में स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक, सिम ट्रे जिसमें ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने मिलता है। राइट में वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने मिल जाता है। तो बढ़ते फ़ोन की डिस्प्ले की तरफ जिसमें 6.7 इंच का एक कर्व डिस्प्ले है, जिसमें एमोलेड पैनल देखने मिलता है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। और साथ में देखने मिलता है एचडीआर 10 का सपोर्ट। और ब्राइटनेस नेट की बात करें तो 950 निट्स का ब्राइटनेस पिक देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। जो ओवरऑल डिस्प्ले में भी फ़ोन बहुत अच्छा है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। तो बढ़ते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो रियलमी 11 प्रो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 एसोसिएट का प्रोसेसर देखने मिलता है और आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 मिल जाता है। कस्टम यू आई की बात करें तो लेटेस्ट रियल मी यू आई 4.0 का सपोर्ट मिलता है और 8GB 12GB रैम से वेरियंट मिलता है। 128GB 256GB स्टोरेज वेरियंट देखने मिल जाता है। अगर प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, नॉर्मल गेमिंग हो जाएगी और डे टू डे टास्क भी आप अच्छे से कर सकोगे। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो पूरा बोटवेयर से भरा हुआ है और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपका 2 साल का OS अपडेट मिल जाता है और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो तो एवरेज होगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे भी बेटर परफॉर्मेंस वाले फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में। तो बढ़ते फ़ोन के कैमरा की तरफ। तो इसमें बैक में आपको बड़े डायल में कैमरा मॉड्यूल देखने मिल जाता है, जिसमें आपको ड्यूअल कैमरा सपोर्ट है, जिसमें जो मेन कैमरा है 100 MP का और सेकंड कैमरा 2 MP माइक्रो सेंसर। और वहीं पर फ्रंट कैमरा की बात करो तो 16 MP का पंचोल कटआउट में आपको कैमरा मॉडल देखने मिल जाता है। रियर कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट में फुल HD में 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। अगर रियर में OIS की सपोर्ट की बात करें तो मिल जाता है, बट उसका सपोर्ट 1080 तक की कैपेसिटी है। और फोटोशूट की बात करें तो डे लाइट में आपको एक अच्छा कैमरा पिक्चर कैप्चर करके देता है, बट जैसे नाइट में जाता है उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है। और इसका जो कैमरा है वो सिर्फ नंबर ऑफ कैमरा है। तो सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो भी डिसेंट कैमरा है। ओवरऑल कैमरे की बात करो तो एक एवरेज कैमरा का होगा। और कैमरे के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी होना चाहिए था, वो एक मिसिंग पॉइंट है। तो बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 67W का सुपर वक्त चार्जर देखने मिलता है और 50 मिनट में आपको ये फ़ोन फुल चार्ज करके देता है। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको एक दिन आराम से चल जाएगा। अगर आपका काम ज़्यादा है तो आपको 2 दिन 2 बार तो चार्ज करना ही होगा। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो एवरेज का होगा, क्योंकि कैमरे में अपग्रेड होना जरूरी था, सॉफ्टवेयर में बॉटवेयर वाला है। अगर आपकी नीड है कैमरा और गेमिंग तो ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो कैसा लगा ये फ़ोन और वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।